हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए एसएसटी करवा रहा था, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड था। किस बुक्स के अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी की एसएसटी करवा रहा था, और जिसमें मैंने आपको क्लास सिक्स की खत्म करवा दी थी, और हम बात कर रहे थे क्लास सेवन्थ की। ओके, जिसमें मैंने आपको चैप्टर तीन यानी कि अध्याय तीन तक मैंने आपको करवा दिया था, जिसमें हम दिल्ली संतलत के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे, जब दिल्ली संतलत खत्म हो गई थी तब मुगल वंश आया था, तो मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, और पूरा का पूरा मुगल वंश जो है काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन पूरा का पूरा मैं आपको इसी टॉपिक में पूरी की पूरी आज करवा दूंगा। ओके, तो हम आज बात करेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ मुगल वंश के बारे में, और पूरा का पूरा मैं आपका कंसंट्रेट रखूंगा पढ़ाने के ऊपर। ओके, और उससे पहले अगर आपने अब तक हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं करा तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। ये आपकी हमारी आईडी है, जहां पर आपको जो भी प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ वगैरह मिलता है यहीं मिलता है। नोटिफिकेशन जो यूट्यूब की तरफ से नहीं मिलती, वीडियो लेक्चर शुरू होने से पहले 2 मिनट पहले आपको यहां से नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि कई बच्चे कहते हैं सर वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है आपका। ये हमारी ऑफिशियल एकेडमी ऐप है, डीके एकेडमी। यहाँ पर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ की नोट्स चाहिए तो वो ले सकते हो। मगर इसके अलावा आप अगर टेस्ट लगाना चाहते हो ऑनलाइन, आप अपनी तैयारी देखना चाहते हो कितनी हो चुकी है, तो यहाँ पर आकर अपने टेस्ट भी लगा सकते हो। बाकी ये मेरी इंस्टा की आईडी, अगर आप मुझे पर्सनल फॉलो करना चाहते हो तो यहाँ फॉलो कर सकते हो। ओके, तो चलिए नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का नेक्स्ट टॉपिक अध्याय चार मुगल साम्राज्य। अब मुगल साम्राज्य आप सभी को पता है, जैसे कि लोदी वंश के आखिरी वंशज इब्राहिम लोदी को मुगल साम्राज्य के मुगल वंश के एक पहले जो माने जाते हैं, जो कि कौन है? बाबर। उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में उसको हरा दिया था और वहां से मुगल वंश की स्थापना हुई थी। अब जब ये मुगल वंश आए तो इन्होंने क्या करा? तो इन्होंने सबसे पहले दिल्ली और आगरा पर अपने राज्य का विस्तार शुरू करा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने विस्तार कहां से शुरू करा था, तो दिल्ली और आगरा से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार करना शुरू करा था। और 17वीं सेंचुरी में यानी कि 17वीं शताब्दी के लगभग इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप के ऊपर यानी कि भारत के ऊपर संपूर्ण के ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था? अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाए कि इन्होंने संपूर्ण महाद्वीप के ऊपर अधिकार कब प्राप्त कर लिया था, तो लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने प्राप्त कर लिया था। और मुगल वंश के कई ऐसे चीजें हैं जो आज भी हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री लाल किले के ऊपर खड़े होकर ही झंडा जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको फहराते हैं, जैसे कि आप इमेज देख ही रहे हो। और लाल किला आपने देखा होगा तो काफी अच्छी तरीके से उसको वेल मेंटेन कर रखा है आज भी, और काफी अच्छी तरीके से उसको उस समय बनाया गया था, तो उसकी वास्तुकला आज भी हमारे समाज में बहुत मशहूर है। नेक्स्ट बिंदु आता है, मुगल कौन थे, यानी कि जो मुगल साम्राज्य जिन्होंने विस्तार करा था आखिर ये थे कौन? तो ध्यान रखिएगा, मुगल जो थे वो दो महान शासक वंशों के वंशज थे। कौन कौन से? तो माता की ओर से, अपनी माँ की ओर से वो चीन और मध्य एशिया पर शासन करने वाले मंगोल शासक चंगेज खान के उत्तराधिकारी थे, जिसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1227 में हो गई थी। और पिता की ओर से वो ईरान, जो कि आज का वर्तमान का इराक कहलाता है, वहाँ के तुर्की शासक जो कि तैमूर थे, जिन्होंने आखिरी तुगलक वंश के संस्थापक जो कि था फिरोज खान तुगलक, उसको मारकर खदेड़कर भगा दिया था वहां से, और जाते जाते दिल्ली तहस नहस कर दी थी। किसने? तैमूर ने। और जाते जाते अपना एक सैनिक छोड़ गया था खिजर खान, जिसने सैयद वंश की स्थापना करी थी। मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट टॉपिक जो कि दिल्ली संतलत पढ़ा रहा था जब मैंने आपको, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। ओके, ये तुर्की शासक था तैमूर, जिसकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 1404 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इन दो महान शासकों के वंशज थे, माँ की ओर से मंगोल थे और पिता की ओर से तुर्की। लेकिन परंतु जो मुगल थे ना, ये अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये इनकी जो माता की ओर से इन्हें जो मिला था
नेम मिला था, जो इनकी पहचान मिली थी, मुगल या फिर मंगोल जिसे आप बोल सकते हो, ये अपने आप को कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा क्यों था? तो ध्यान रखिएगा, जो कि मंगोल था चंगेज खान, वो क्या था, उससे जुड़ी जो स्मृतियां थी उसने सैकड़ों व्यक्तियों का क्या करा था, नरसंहार करा था, इससे संबंधित थे, जिसके कारण मुगल के जो थे, जैसे कि आप बोल सकते हो मंगोल जो था चंगेज खान, जो कि आप नीचे इमेज भी देख रहे हो, इसके बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। इसी में आपके एक प्रतियोगी, जो कि मुगलों को आगे चलकर उन्होंने बहुत परेशान करा था, कौन थे? तो उज्बेगो थे। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित है, इसलिए ये अपने आप को मंगोल या फिर मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे। आगे चलकर देखोगे तो जब अकबर पहली बार अपने पृतक यानी कि अपने पापा की गद्दी पर बैठता है, तो ये उजबो के जो थे इन्होंने इसको मारकर खदेड़ कर भगा दिया था। ओके, इसलिए अपने आप को मुगल या फिर मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। और दूसरी तरफ वो जो मुगल थे वो तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे, अनुभव करते थे अपने आप को तैमूर यानी कि तुर्की पर। क्यों? क्योंकि तैमूर जो था उसने दिल्ली पर आक्रमण करा था और 1398 में इसने दिल्ली को अपने आप पर कब्जा कर लिया था। पूरा का पूरा दिल्ली, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फिरोज खान तुगलक को मारकर भगा दिया था, इसलिए ये अपने आप को तुर्की कहलवाना बहुत पसंद करते थे। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। आगे चलें तो देखो यहां पर लिख रखा तैमूर और उसके उत्तराधिकारी और मुगल सम्राट या फिर उसके पूरे के पूरे एम्पायरियर्स, जो कि आप नीचे देख सकते हो। शासनकाल 1702 से लेकर 1712 में ये इमेज क्रिएट करी गई थी, इसलिए यहां पर ये शासनकाल देख रखा है इसका। ओके, बाकी मुगल वंश अपने आप में ही बहुत बड़ा था। तो अब आपको ये ध्यान नहीं रखना, तैमूर जो था ना उसके जो इमेज बनाई गई थी उसकी ये डेट लिखी हुई है। आगे चलें तो मध्य में तैमूर है, यानी कि ये जो बीच में बैठा हुआ है ये कौन है? ये तैमूर है। इमेज में समझने की कोशिश कीजिएगा, तैमूर है। उसकी दाईं ओर यानी कि दाहिनी ओर यानी कि उसके राइट ओर, हमारा राइट नहीं उसके सामने का राइट, जिसके हाथ में उसके तलवार है यानी कि इस तरफ, यानी कि ये कौन है? तो ये उसका पुत्र है। किसका पुत्र? तैमूर का पुत्र है मीरन शाह। ध्यान रखिएगा कौन है? मीरन शाह है, जो कि प्रथम मुगल सम्राट बाबर का लक्कड़ दादा है। ध्यान रखिएगा, लक्कड़ दादा यानी कि ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। ओके, यानी कि पर दादा है कौन? तो मीरन शाह। ये आगे चलें तो उसके बाद अबू सेद यानी कि ये, इसके बाद जो है ये है अबू सेद, जो कि बाबर के दादा कहलाते हैं। आगे चलें तो तैमूर की बाई ओर मतलब लेफ्ट की ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्जा यानी कि ये है मोहम्मद मिर्जा, जो कि बाबर के क्या थे? परदादा थे, यानी कि उनके पूर्वज थे। ओके, आगे बात करें तो उमर शेख है यानी कि ये जो है ये उमर शेख है, जो कि बाबर के क्या कहलाए? पिता कहलाए। तो यहां पर आपको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में पता चला, ग्रैंडफादर के बारे में पता चला, ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में पता चला और उनके पिता के बारे में पता चला। तो कहीं से भी कोई भी नाम लेने को आए आपका, तो आपको पता होना चाहिए कि अकबर के कौन कौन या फिर बारबर के कौन कौन क्या हुए। यहां पर सारी की सारी तुलना बारबर से करी गई है, तो बारबर से ही ध्यान रखिएगा आप इन चीजों को। ओके, आगे चलें तो तैमूर की दाईं ओर तीसरे यानी कि ये तैमूर है, इसकी दाहिने ओर यानी कि राइट की ओर तीसरा ये जो है तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा ये कौन है? तो ये मुगल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां है, यानी कि पहले नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर, कहने का मतलब ये कौन है? बाबर। इसके बाद में कौन है? तो अकबर। इसके बाद में कौन है? तो शाहजहां। ये आपके क्रम में बैठे हुए हैं। बाकी उसकी बाईं ओर मतलब लेफ्ट की ओर दो तक की तो हमने बात कर ही ली थी, तीसरे चौथे और पांचवे यानी कि ये और ये कौन है? तो पहले नंबर पर यानी कि ये हुमायूं है, उसके बाद में जहांगीर है और उसके बाद में औरंगजेब है। तो ये इमेज कब बनाई गई थी? तो वहां पर 12 में बनाई गई थी, 1712 में। आप सभी को पता है एक ही तरफ पूर्वजों को लाना, देखो जैसे कि मैंने आपको बोला ये अपने आप को मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, तो इमेज भी देखो चंगेज खान के साथ नहीं है, तैमूर के साथ है। और ये इमेज भी बनाई गई थी, जो तस्वीर बनाई गई थी ये काल्पनिक तस्वीर है, आप सभी को पता है इतने सारे पूर्वज एक साथ इकट्ठे कभी भी नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पर कहने का मतलब यही है कि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर का, उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का, उसके पिता का, उसके परदादा का क्या नाम था, आपको यह पता होना चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो मुगल सेना अभियान पर निकली थी, उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें आपका प्रथम मुगल शासक जो था वो कौन था? बाबर था।
क्या इसका समय काल था? तो 1526 से लेकर 1530 का जो समय काल कहलाता है वो बार्बर का कहलाता है। अभी पूरा का पूरा चार्ट दिखाऊंगा, पूरा के पूरे मुगल वंश की मैं आपको बात करूंगा, अभी इतनी सी डेट आपको ध्यान रखनी है। ओके, आगे चलें तो बार्बर ने जब 1494 यानी कि 1494 में फरगाना राज्य के उत्तराधिकारी प्राप्त किया या फिर प्राप्त किए तो उसकी उम्र केवल कितनी थी? 12 वर्ष ही। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में 12 वर्ष दे रखा है, आगे चलकर आपको 13 वर्ष देखने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी में भी कहीं कहीं दुविधाएं दे रखी हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। बहुत छोटी उम्र में ही क्या बन गया था? बार-बार वो शासक बन गया था। कहाँ का? तो फरगाना राज्य का पहले ये बना था। ओके, आगे बात करें तो मंगोलों की दूसरी शाखा, मैंने आपको बोला था जो कि चंगेज खान की दूसरी शाखा, जो कि उसके आगे चलकर दुश्मन भी कहलाए थे, कौन? तो उज्बे बेको। ओके, तो अगर आप बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा, मंगोलों की दूसरी शाखा उज्बेको के आक्रमण के कारण उसे अपनी पितृ गद्दी यानी कि अपने पिता की गद्दी छोड़नी पड़ी और वहां से उसको भागना पड़ा। इसलिए मुगल जो थे अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं कहलवाते थे। ओके, अनेक वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर इसने कब्जा करा, किसने? बार्बर ने। और उसने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जे में कर लिया। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली में यानी कि जब भारत में इन्होंने आक्रमण करा था काबुल के बाद, काबुल के बाद इन्होंने किस पर कब्जा करा था? दिल्ली सल्तनत पे, जिसमें इब्राहिम लोदी को इसने हरा दिया था। और इब्राहिम लोदी और बार्बर के बीच में कोई मुकाबला नहीं था। इब्राहिम लोदी की सेना एक ये लगा लो, अगर उसमें 4 लाख सैनिक थे तो बार्बर के पास मुश्किल 1 लाख सैनिक थे। लेकिन जीतने का कारण क्या था? 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ, और यह इस्तेमाल किसने करा था? तो बार्बर ने करा था। यही इसकी जीतने की वजह थी कि पानीपत में जो कि सैनिक इससे ज्यादा थे इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन इब्राहिम लोदी हार क्यों गया? क्योंकि उसके पास पुराने हथियार थे, तीर कमान तलवार वगैरह थी, और यहां पर इसके पास बारूद था, तोप थे। इसकी वजह से बार-बार जीत गया था और इब्राहिम लोदी वहां हार गया था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो 1526 में हुई थी। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी के बीच में और बार्बर के बीच में। और तोपखानों का या गोलाबारी का इस्तेमाल पहली बार किसने करा था? तो बार्बर ने करा था। कब? तो 16वीं शताब्दी में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे के सारे, ध्यान रखिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं मुगल सम्राटों के बारे में, यानी कि जो पूरा का पूरा मुगल वंश होता है उसमें कौन कौन आए और क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य करे। ओके, तो प्रमुख अभियान एवं घटनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मुगल वंश में जो सबसे पहला संस्थापक था वो कौन था? बार्बर था, जिसने पहले काबुल पर और फिर दिल्ली और आगरा पर कब्जा करा। समय काल 1526 से लेकर 1530 का समय काल माना जाता है। अब ये जो बार्बर था ना, इसको भगा दिया था मारकर अपने पिता की गद्दी से, इसलिए अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी जिंदगी अपना लड़ता रहा और लड़ते लड़ते ही मर गया। जैसे कि 1526 में इसने इब्राहिम लोदी को हराया और साथ ही साथ में इब्राहिम लोदी के जो अफगाना समर्थक थे उनको हराया, उसके बाद में जो कि पानीपत की पहली लड़ाई कहलाई। दूसरा 1527 में खानवा में राणा संगा को हराया और साथ ही साथ में उसके समर्थकों को हराया, जो कि एक राजपूत क्या था? एक शासक था, राजा था। आगे बात करें तो 1528 में चंदेरी में इसने किसको हराया था? तो मदीन राय को हराया था, जो कि एक राजपूत क्या था? शासक था। और 1529 में भी इसने फिर किसको हराया? अफगानों को हराया। ओके, तो ये 1526, 27, 28 और 29 चारों साल इसके लड़ाई में चले गए और 1530 में इसकी मृत्यु हो गई। ओके, और आगे चलकर जो कि बार्बर नामा वो किसकी आत्मकथा है? तो बार्बर की ही आत्मकथा है। क्या नाम से कहलाती है? बार्बर नाम के कहलाती है। ओके, और ये अपनी मृत्यु से पहले पहले इसने क्या कर लिया था? दिल्ली और आगरा में मुगल जो था वो नियंत्रण इन्होंने स्थापित कर दिया था, स्थापित कर दिया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा इन सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो कि बार्बर ने अपने समय काल पर करे थे। बार्बर के बाद आया उसका बेटा हुमायूं, जिसका समय काल दो समय काल है,
पहला 1530 से लेकर 1540 और दूसरा समय काल 1555 से लेकर 1556, और 56 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आप सभी को पता है 1540 में शेर खान, जिसको आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया, उसने हुमायूं को मारकर भगा दिया था। तो यहाँ पर देखो, पहले शेर शाह सूरी का क्या नाम था, तो शेर खान नाम था। हुमायूं को हराने के बाद इसको शेर शाह सूरी की उपाधि मिली थी। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी मैंने आपको नेक्स्ट यानी कि इससे पहले वाले थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था। शेरशाह सूरी के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो एक बार प्रीवियस चैप्टर को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया। पहला 1539 में यानी कि 1539 में, कहां पर, कौन से युद्ध में, तो चौसा के युद्ध में, और 1540 में दोबारा हराया कन्नौज के युद्ध में। ओके, और इसको हराने के बाद 1540 के बाद इसको वहां से ये भागना पड़ गया, और ये भागकर कहां चला गया, ईरान। अब आपको भी पता है कि मुगलों ने हमेशा, अगर किसी के ऊपर शेर शाह सूरी को ये पता था, जो कि शेर खान के नाम से जाना जाता था पहले, उसको ये पता था अगर मैं इसको छोड़ दूंगा ना तो ये बाद में आकर मुझ पर दोबारा आक्रमण करेगा, तो इसके पीछे तक गया था ये ईरान तक इसको मारने के लिए। ओके, लेकिन ईरान में जाकर ये छुप गया, और फिर बाद में ईरान पे जाने के बाद हुमायूं ने ईरान के शासक, जो कि कौन था, सफवीद शाह था, तो उससे उसने क्या मानी, मदद मांगी, और आगे चलकर शेर खान की मृत्यु हो गई। किसमें, बम विस्फोट के कारण एक कारखाने में, जिसके कारण जो कि हुमायूं था ये 1555 में वापस आया दिल्ली पर, इसने दोबारा कब्जा कर लिया। ओके, तो ये मेन रीजन था, अगर इसकी बम विस्फोट में मृत्यु नहीं होती तो शेर खान, जो कि शेर शाह सूरी कहलाया था, जिसने सूर वंश की स्थापना करी थी, उसका वंश आगे चलता, लेकिन उसके बम विस्फोट के कारण मृत्यु हो गई। फिर दोबारा इसने 1555 में कब्जा कर लिया दिल्ली के ऊपर, और 1556 तक रहा। उसने अगले वर्ष वहां पर एक इमारत का क्या करा था, उद्घाटन करा था, वहां पर एक बनवाई थी उसने इमारत दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच चांदनी चौक में, जिसका नाम रखा दीन ए पनहा। वहां से इसकी सीढ़ी से गिरकर दुर्घटना में मृत्यु हो गई, और यहीं पर ही समय काल खत्म हो गया हुमायूं का। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हुमायूं के दो समय काल है, 1530 से 1540, और फिर उसके बाद में 1555 से लेकर 1556 का समय काल। आगे चलें तो फिर आया आपका अकबर। अकबर का समय काल क्या था, तो 1556 से लेकर 1605 का समय काल था, जो कि उस समय में काफी अच्छा शासक माना जाता था अकबर को। कैसे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, अकबर जो था वो 13 वर्ष की अल्प आयु में, ध्यान रखिएगा, अल्प आयु में अकबर सम्राट बना। जैसे कि बाबर जो था वो 12 वर्ष में बन गया था, और अकबर कब बना था, तो 13 वर्ष में बन गया था। और आगे चलकर इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी, जो कि कब लड़ी, 1556 में लड़ी थी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, जो कि उम्र उस टाइम में अकबर की कितनी थी, तो 13 वर्ष थी। इसलिए अकबर की ओर से उसका संरक्षक, उसका बॉडीगार्ड जो था बैरम खान, उसकी ने इसको युद्ध को लड़ा, और बैरम खान और अकबर, जो कि बोल सकते हो एक थे, और हेमू दूसरा था, उनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और बैरम खान ने इसको परास्त कर दिया था, किसको, हेमू को। ओके, क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। आगे चलकर अकबर ने ही बैरम खान की हत्या कर दी थी, क्योंकि इसका ये संरक्षक था, किसी भी काम को करने से पहले बार बार आनाकानी करता था बैरम खान अकबर को कि बाहर मत जाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्योंकि उस समय इसकी एज बहुत छोटी थी, इसलिए बैरम खान को इसी ने ही चतुराई से आगे जाकर मरवा दिया था। आगे चलें तो अकबर ने आगरा का लाल किला, ध्यान रखिएगा कहाँ का, आगरा का लाल किला, दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा, आगरा का लाल किला और फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई थी, अकबर ने ही बनवाई थी। और साथ ही साथ में एक महान काम करा अकबर ने कि गैर मुस्लिम कर, जो कि जजिया कर के नाम से जाना जाता था, इसकी समाप्ति किसने करी थी, तो अकबर ने ही करी थी। ये समय समय पर लगता गया, हटाता गया। सबसे पहले जो इसको लगाया गया था जजिया कर को, वो किसने लगाया था, तो जो अरबों का आक्रमण हुआ था पहली बार, उनके द्वारा लगाया गया था ये। ओके, फिर ये समय समय पर हटता रहा, लगता रहा, तो अकबर ने अपने समय काल पर इस जजिया कर को, गैर मुस्लिम कर को हटा दिया था। आगे चलें तो अगला समय आया जहांगीर का, जो कि 1605 और 1627 की आसपास की बात है। अकबर की मृत्यु हो गई थी, अकबर की मृत्यु नेचुरल डेथ हुई थी। ओके,
तो फिर आया जहांगीर, जिसके समय काल 1605 से लेकर 1627 का समय काल माना जाता है। जो कि जहांगीर का बचपन का नाम क्या था, तो सलीम था। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। तो जहांगीर ने अकबर के सैन्य अभियान को आगे बढ़ाया। जैसे कि अकबर ने जगह जगह पर कब्जा करना शुरू करा था, तो उसी सैन्य अभियान को जहांगीर ने कंटिन्यू रखा, आगे बढ़ाया। जहांगीर के शासनकाल में अंतिम वर्ष में राजकुमार खुर्रम, ध्यान रखिएगा ये खुर्रम कौन था, आगे जाकर शाहजहां कहलाया, उसने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था शासन के लिए। ओके, और आगे चलकर जहांगीर की जो वाइफ थी मेरुनिसा, जो कि आप आगे चलकर उसके बारे में पढ़ोगे, उसने भी शाहजहां को, जो कि खुर्रम था, उसको धकेल कर मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो असफल रही उस चीज में। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाए कि न्याय की जंजीर किसके दरबार में लगी थी, तो जहांगीर के दरबार में ही लगी गई थी। जो कि किसी को न्याय न्याय चाहिए होता था, तो उस जंजीर को बजाता था, उसी को ही न्याय की जंजीर कहा जाता था। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स भी पॉइंट है, अगर आपको ध्यान रखने तो ध्यान रख लीजिएगा, बाकी अगर कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बता ही दूंगा। ओके, फिर बाद में 1627 में उसकी मृत्यु होने के बाद उसका बेटा शाहजहां क्या बना, अगला शासक बना, जिसका समय काल 1627 से लेकर 1658 का समय काल माना जाता है। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद बनवाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शाहजहानाबाद कहाँ पर है, तो दिल्ली में है। किसने बनवाया था, तो वो शाहजहां ने बनाया था, जिसको आप वर्ल्ड सिटी के नाम से आज जानते हो। ओके, चलिए आगे चलें। साथ ही साथ में जामा मस्जिद, लाल किला, मोती मस्जिद, ये सारे के सारे किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ में इतनी चीजों का निर्माण करने के साथ, इसलिए इनके काल को क्या कहा जाता है, वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज कहा जाता है इनको, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि वह शासक काल कौन सा है जिसके काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो इन्हीं का ही काल है। ओके, आगे चलें तो शाहजहां की सातवीं पत्नी का नाम अंजुमान बानो बेगम था, जो कि आगे चलकर मुमताज महल के नाम से कहलाई, और इन्हीं की इसमें स्मारक के रूप में इन्होंने क्या बनाया था, तो ताजमहल बनाया था। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये हो गई शाहजहां की बात। अब शाहजहां की मृत्यु के बाद, जो कि औरंगजेब उसका पुत्र था, उसी ने ही कैद कर लिया था, इसने अपने सारे भाइयों को मार दिया था और अपने पिता को कैद कर दिया था, और कैद में ही इसके पिता ने दम टूट गया था इनका। ओके, तो ये कहा जाता है जो औरंगजेब था, इसका समय काल है 1658 से लेकर 1707 का समय काल, और ये मुगल वंश का अंतिम शासक था, जो कि सबसे शक्तिशाली माना जाता था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल वंश का अंतिम मजबूत शासक कौन था, तो वो औरंगजेब था, और साथ ही साथ में इसको क्रूर भी माना जाता था। मतलब ये कहा गया इन्होंने कि मुगल वंश में जो सबसे ज्यादा क्रूर था वो कौन था, तो वो औरंगजेब ही था, जिसने दोबारा जजिया कर लगाया। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अगेन अकबर के खत्म होने के बाद दोबारा जजिया कर किसने लगाया था, तो वो औरंगजेब ने ही लगाया था, जो कि गैर मुस्लिम कर हुआ करता था। आगे चलकर उसने दक्षिण की नीति अपनाई, और इसकी मृत्यु का प्रमुख कारण ही क्या था, ये दक्षिण की नीति थी, पॉलिसी ऑफ द साउथ। अब ये पॉलिसी ऑफ द साउथ था क्या, तो ये जो थे दिल्ली और आगरा के आसपास रहते थे, और इन्होंने दक्षिण की ओर पूरा का पूरा राज्य जीतने के लिए अभियान चलाया था। तो जैसे ही ये दक्षिण में जाते थे, वैसे ही ऊपर की तरफ यानी कि उत्तर की तरफ दोबारा स्वतंत्र जो शासक थे वो खड़े हो जाते थे। अब ये जब ऊपर की तरफ आते थे, तो दक्षिण की तरफ क्या चले जाते थे, स्वतंत्र शासक खड़े हो जाते थे। तो इसी के कारण इसकी जो पूरा का पूरा जो शासन काल था ना, वो इसी में बीत गया, और इसी के कारण इसका जो कमजोर कड़ी थी, सैनिक थे, वो टूट बिखर गए, और इसका शासन काल इसी के कारण खत्म हुआ, और इसकी मृत्यु भी इसी के कारण हुई थी। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपका मुगल वंश के संस्थापक थे, और उनके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु जहां से आपके पॉइंट पूछे जा सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया पूरे के पूरे मुगल वंश के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं इसके आगे, इससे इंपॉर्टेंट कुछ और भी बातें पूछी जा सकती हैं, जैसे कि उत्तराधिकारी किसे
कि मुगल परंपरा, यानी कि जो मुगल थे वो उत्तराधिकारी कैसे चुनते थे। तो ध्यान रखिएगा, मुगलों के द्वारा जो था वो ज्येष्ठाधिकार के नियमों पर विश्वास वो नहीं करते थे। ज्येष्ठाधिकार क्या होता है? तो जिसमें ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़े पुत्र को पिता का राज्य मिलता है उसको उत्तराधिकारी मान लिया जाता है, ये इस चीज को नहीं मानते थे। इसके विपरीत जो कि तैमूर यानी कि तुर्क वंश के वाले इस्तेमाल करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे? तो सहदायाद को इस्तेमाल करते थे, जिसमें क्या होता था, तो इसमें वंश की प्रथा जो होती थी ना, वो जिसमें भी जितने भी बच्चे होते थे उनके बीच में विभाजन कर दिया जाता था, सभी के सभी पंतों को, सभी के सभी राज्य को। जैसे कि आपके पास 5 इलाके हैं और आपके पास 3 बेटे हैं, तो तीनों के बीच बेटों में वो इलाके बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। सबसे बड़ा बेटा राज्य या फिर शासक नहीं बनता था। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए ज्येष्ठ अधिकार क्या है तो आपको पता होना चाहिए, जिसे ज्येष्ठ अधिकार भी कहा जाता है, और अगर आपसे पूछा जाए सहदायाद क्या होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक में बड़े भाई को राजा बनाया जाता है और दूसरे में सभी को अपना अपना राज्य दे दिया जाता है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, अकबर के समय काल का ये पूरा का पूरा मैप है, जहां पर कंधार, काबुल से लेकर पीछे बंगाल, उड़ीसा से लेकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, यहां से लेकर गुजरात की तरफ, ये पूरा का पूरा राज्य उसी का ही था। धीरे धीरे आगे चलकर उन्हें गोलकुंडा वगैरह पर भी आक्रमण किए थे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रख सकते हो इन पॉइंट को। आगे चलें तो मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध, आप सभी को पता है मुगल जैसे जैसे राज्य को जीतते हुए जा रहे थे तो अलग अलग संबंध उनके बनते हुए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि कई मुगल शासक जो थे वो किसी दूसरे शासक को हराने के बाद सम्मानपूर्वक उनका राज्य उनको वापस कर दिया जाता था, जिसके कारण वो उनका विश्वास जीत सकें और आगे चलकर वो उनसे सहायता ले सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से पूरा का पूरा इनकार कर दिया, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है राजपूतों में सिसोदिया राजपूतों का। ओके, तो सिसोदिया राजपूत जो थे उन्होंने काफी लंबे समय तक मुगल वंशों के विरुद्ध रहे, उनकी सत्ता से स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, और राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, राजपूतों में सिसोदिया राजपूत जो थे उन्होंने काफी लंबे समय तक इनका क्या करा था, सत्ता को स्वीकार नहीं करा था, लेकिन आगे चलकर इन्होंने भी स्वीकार कर लिया। ओके, तो ध्यान रखिएगा, स्वेच्छा से सत्ता को जो कि आप अपनाने वाले थे वो कौन थे? राजपूत थे, जिसमें से शिवाजी का भी नाम आता है। शिवाजी भी अपनाने के लिए गए थे लेकिन उस समय औरंगजेब ने उनकी बेइज्जती कर दी थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया था उस चीज को अपनाने से, और आगे चलकर औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया था, किसको? शिवाजी को, और फिर वहीं से ही वो जेल से भाग गए थे, और फिर उनके बाद लगातार उनके बीच में युद्ध चलते रहे। जो कि सबसे ज्यादा नाक में दम करा था किसने? तो शिवाजी ने ही करा था औरंगजेब के। ओके, आगे चलें तो अनेकों ने मुगलों घराने में अपनी पुत्री के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने इसका विरोध भी किया। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिसोदिया राजपूत ने इन्होंने बहुत विरोध करे थे, और कईयों ने अपने जो राजपूत होते थे उन्होंने अपनी पुत्रियों का विवाह इन वंशों में कर दिया था। किस चीज के लिए? ऊंचे पद को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि आप यहां पढ़ सकते हो, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां, जिसमें पहला पॉइंट आता है जहांगीर की मां। अब ध्यान रखिएगा, जहांगीर की मां कांचवा की राजकुमारी थी, वह अंबर जो कि वर्तमान में क्या है, जयपुर है, कि राजपूत शासक की क्या थी? पुत्री थी। तो पहला पॉइंट आपको यहीं से दिख गया कि जहांगीर की मां कौन थी? एक राजपूताना थी। वहीं पर ही शाहजहां की मां, वो भी क्या थी? राठौर राजकुमारी थी, जो कि मारवाड़ा यानी कि जो आज का जोधपुर है वहां के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो, काफी राजपूतों ने अपनी बेटी की विवाह किनसे करा था? मुगल वंशों में करा था, ऊंचे ऊंचे पदों को पाने के लिए। ओके, क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर एड ऑन कर दिया, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए।
आगे चलें तो दो पॉइंट निकल के आते हैं, एक आपका मनसबदार और दूसरा आपका जागीरदार। अब ये दोनों के दोनों पॉइंट क्या है तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र जो कि सम्मिलित होते गए, जैसे कि आप सभी को पता है पहले दिल्ली आगरा तक ही था, फिर गुजरात हो गया, धीरे धीरे बंगाल हो गया, तो जैसे जैसे वो सारे के सारे इलाके जुड़ते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्ति करना आरंभ किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि दिल्ली में रहकर बंगाल पर राज्य करना आसान नहीं होगा, इसलिए इन्होंने अलग अलग सदस्यों को प्रशासन चलाने के लिए नियुक्त करा और उनको वेतन दिया जाता था। शुरू शुरू में ज्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग यानी कि जो शासक थे उनके वर्गों में ईरानिया आ गए थे, भारतीय आ गए थे, मुसलमान आ गए थे, अफगानी आ गए थे, राजपूत, मराठा, ये सारे के सारे इन समूह में सम्मिलित हो गए थे। और मुगलों की सेवा में आने वाले इन्हीं नौकरशाह को क्या कहा, मनसबदार कहा गया। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि मनसबदार क्या होता है तो ध्यान रखिएगा जो भी मुगल वंश के शासकों के लिए काम करते थे उनको ही कहा जाता था। और उसके विपरीत जागीरदार किसे कहा जाता था तो ध्यान रखिएगा मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहता था या फिर जागीरदार कहा जाता था। ओके, जो कि तकरीबन किसके बराबर था तो इकता प्रणाली के बराबर था, उसके समान था। अब इकता प्रणाली क्या होती है तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक शासक जो होता है, एक राजा जो होता है, एक मुख्य व्यक्ति को चुनता है, उस मुख्य व्यक्ति यानी कि मनसबदार को चुनता है, उसको एक भूमि का हिस्सा दे दिया जाता है, उस भूमि पर वो निगरानी भी रखता है और वहां से जो कर आता है उस कर से वो अपनी सैलरी भी लेता है और बाकी लोग जो उसके सैनिक में है उनको भी देता है। तो वो क्या थी, इकता प्रणाली थी। और उसी के सेम बराबरी क्या था, जागीर, जिसे जागीरदार कहा जाता है, वो बिल्कुल सेम सिस्टम था। जैसे कि एक इमेज देख रहे हो जहांगीर के समय काल का, कि यहां पर देखो मनसबदार जो था वो रिश्वत लेता हुआ दिखाया जा रहा है, एक व्यापारी से वो रिश्वत ले रहा है काम के लिए, और एक मनसबदार जो है वो गरीबों पर अत्याचार कर रहा है पैसे वैसे लेने के लिए, लेकिन गरीब है वो दे नहीं पा रहे। तो इन्हीं चीज को देखते हुए ये चीज जो थी वो औरंगजेब के समय काल में बहुत बढ़ गई थी, जो मनसबदार थे, जो जागीरदार थे, वो क्या कर रहे थे, वो धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे, उन्होंने इतना कर इकट्ठा कर लिया कि वो अपने आप को क्या मानने लगे, एक अलग शासक के रूप में स्थापित कर लिया उन्होंने, वो कहने लगे कि हम मुगल वंश के अधीन नहीं है। और यही कारण था कि आगे जाकर औरंगजेब क्या था, पूरा का पूरा निरस्त हो गया था और धीरे धीरे उसका पूरा का पूरा शासन खत्म हो रहा था। ओके, आगे चलें तो आगे पॉइंट आता है एक आपका जब्त और दूसरा आता है जमींदार। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं तो ध्यान रखिएगा, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन जो था वो किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व कर था, जो कि आप, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उस समय का मेन इनकम सोर्स क्या था, वो कर था, वो भी किससे, किसानों से, क्योंकि सबसे ज्यादा खेती ही हुआ करती थी उस जमाने में। ओके, आगे चलें तो अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से लेकर 1580 की काल विधि में, यानी कि पूरा का पूरा जो काल विधि थी, के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि की भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण करा, मतलब उसका सर्वे किया, और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर यानी कि राजस्व निश्चित कर दिया गया, और प्रत्येक सूबे जिसे पंत को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस प्रथा को क्या कहा जाता था तो जब्त कहा जाता था। ओके, तो ध्यान रखिए कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि जो राजस्व मंत्री था टोडरमल, उसने 10 साल पूरे के पूरे काल विधि में उसने किसान के जो पैदावार हो रही थी, उसकी जो फसल हो रही थी, हर फसल पर अलग अलग उसने टैक्स को निर्धारित कर दिया था, और उस टैक्स पर ध्यान रखने के लिए उसने अलग अलग पंत बांट दिए थे, अलग अलग राजस्व मंडल बांट दिए गए थे उन फसलों पर निगरानी रखने के लिए, उनकी सूची बनाने के लिए, और सूची बनाकर एक फिक्स अमाउंट रख दिया गया था कि अगर आप ये फसल उगाओगे तो इतना टैक्स देना होगा, ये फसल उगाओगे तो इतना टैक्स देना होगा। तो उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता था तो जब्त कहा जाता था। ओके, आगे चलें, और ये जो पूरी की पूरी इकट्ठा करता था कर, उसको जागीर जमींदार कहा जाता था। तो इन पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यह व्यवस्था
उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनीय अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे, मतलब भूमि का सर्वे कर सकते थे कि भूमि पर कौन सी फसल होती है, कैसी होती है, किस प्रकार से होती है और कितनी मात्रा में होती है। वहां पर इसका हिसाब रखना आसान था और कर लेना आसान बात थी, लेकिन कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर इन चीजों को लागू करना बहुत मुश्किल था, जैसे कि गुजरात और बंगाल, क्योंकि सुदूर इलाका पड़ जाता है, पथरीला इलाका पड़ जाता है, वहां निगरानी रखना भी संभव नहीं हो पा रहा था, तो इस चीज की प्रकार की चीजों पर नजर रखना काफी मुश्किल था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी व्यवस्था वहां प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनीय अधिकार अधिक आराम से भूमि का निरीक्षण कर सकते थे। गुजरात और बंगाल में ऐसी प्रथा, ऐसी संभव हो ही नहीं पा रहा था। आगे चलें तो आगे आ जाता है नाम आपका अकबरनामा और आईने अकबरी। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अकबरनामा एक अलग है, आईने अकबरी एक अलग है, लेकिन एक दूसरे का ही वो पार्ट है। जैसे कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे, और वो जो उसने पूरे के पूरे इतिहास लिखा था उसी को ही क्या नाम दिया, उसने अकबरनामा दिया, जो कि कितने पार्ट में लिखा था, तो तीन पार्ट में लिखा था, तीन वॉल्यूम में लिखा था उसको। ओके, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है। ओके, जो कि किस चीज के बारे में बताता है, तो अकबर के पूर्वजों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी उससे मिलती है, उसके शासनकाल के बारे में जानकारी उससे मिलती है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, अकबर के द्वारा अबुल फजल अकबर को क्या दे रहा है, वो अकबरनामा दे रहा है। ओके, आगे चलें तो अकबरनामा और आईने अकबरी को मैंने आपको बोला तीन जिल्द में लिखा था, उसको तीन पार्ट में लिखा था, जो कि पहला वॉल्यूम पहला जिल्द में जो क्या लिखा था, अकबर और उसके पूर्वजों का ब्यौरा लिखा गया था, उसमें बयान लिखा गया था। ध्यान रखिएगा, अकबर के पूर्वजों के बारे में, जैसे कि बाबर हो गया, उसके बाद में जितने भी थे वो हो गए, वो सारे के सारे उसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, वो पहले पार्ट से वॉल्यूम फर्स्ट से मिलती है। दूसरा वॉल्यूम जो कि दूसरा पार्ट था, उसमें अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है, वो विवरण किया गया था दूसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट आईने अकबरी में, इसमें अकबर के प्रशासन, उसके पूरे के पूरे सेना, राजस्व, साम्राज्य, जो आपका उसका साम्राज्य था, उसके भूगोल का पूरा ब्यौरा मिलता है। यानी कि अकबर के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो तीसरे पार्ट से मिलेगी, जिसको आईने अकबरी नाम दिया गया। ओके, अब ध्यान रखिएगा, इस तीनों पार्ट को नाम दिया गया अकबरनामा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपॉइंट में दिख जाए आपको अकबरनामा और आईने अकबरी, कि अकबर की जानकारी किससे मिलती है हमें, तो वो आईने अकबरी से मिलती है, अकबरनामा नहीं लिखोगे आप वहां पर। ओके, अकबरनामा तीनों का तीनों पार्ट है उसका। वैसे दोनों के दोनों नाम एक जगह नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो अकबर की नीतियां और नजदीक से एक नजर, तो जो उसकी नीतियां थी उस पर नजदीक से एक नजर डालते हैं। चलिए, पहला, अबुल फजल जो था, जो कि उसका दरबारी भी था और उसका मित्र भी था, के अनुसार साम्राज्य कई पंतों में बटा हुआ था, अलग अलग हिस्सों में बटा गया था, जिसे क्या कहा जाता था, तो सूबा कहा जाता था। ओके, तो सूबों के प्रशासक जो कि सूबेदार कहलाते थे, ध्यान रखिएगा, जो कि वहां पर प्रशासक था पूरा, उसको क्या कहा जाता था, सूबेदार कहते थे, यानी कि सूबों का, जो राजनैतिक तथा सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निवारण करते थे। ध्यान रखिएगा, राजनैतिक तथा सैनिक दोनों के दोनों कार्यों का वो क्या करते थे, काम करते थे, निवारण करते थे। प्रत्येक पंत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था, जिसे क्या कहा जाता था, तो दीवान कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए दीवान किसे कहा जाता था, तो पंत में जो वित्तीय अधिकारी होता था उसको कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त था, जैसे कि बख्शी, जो कि सैनिक वेतन अधिकारी था। दूसरा, सदर, जो कि धार्मिक और धर्मार्थ की किए जाने वाले कार्यों का मंत्री था। तीसरा, फौजदार, जो कि सेनानायक था। और चौथा, कोतवाल, जो कि नगर के पुलिस अधिकारी थे। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि पंत किसको कहा जाता है, सूबेदार किसको कहा जाता है, सूबा किसको कहा जाता है, दीवान किसको कहा जाता है, साथ ही साथ में उसके साथ में बख्शी, सदर, फौजदार और कोतवाल, ये कुछ पॉइंट निकल के आए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। ओके,
आगे चलें तो आगे नाम आता है आपका जहांगीर के दरबार पर नूर जहां का प्रभाव। अब ये नूर जहां कौन थी, तो उनकी वाइफ थी मेरुनिसा, जिसको आगे चलकर नूर जहां की उपाधि मिली थी, खिताब मिला था। ओके, जैसे कि आप पढ़ सकते हो, मेरुनिसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूर जहां का खिताब मिला। ओके, तो ध्यान रखिएगा नूर जहां ही वाइफ है जिसका असली नाम मेरुनिसा है। कब विवाह हुआ था, तो 1611 में हुआ था। और जो मेरुनिसा थी यानी कि नूर जहां थी, ये पूरा का पूरा समर्थन करती थी जहांगीर का हर कार्य में। इसी से पूरा का पूरा नूर जहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर उसका खिताब उत्तीर्ण था और दूसरी ओर रानी बेगम नूर जहां के नाम से गढ़ा हुआ था। जैसे कि आप ये देख सकते हो इमेज, यहां पर एक तरफ नूर जहां से एक पूरा का पूरा उन्होंने एक दस्तावेज जारी करा था, जिसमें लिखा हुआ था कि हमारी, बोल सकते हो जैसे कि रानियों की रानी हमेशा आबाद रहे रानी, ऐसे करके दस्तावेज दिए गए थे। एक तरफ वो लिखा गया था और एक तरफ रानी मेरुनिसा की इमेज छापी गई थी। और सिक्का किस प्रकार का था, ये तो चांदी का था। किसके द्वारा लाया गया था, जहांगीर के द्वारा उनके सम्मान में लाया गया था। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा दस्तावेज है। अगर आपको अरबिक आती है तो पढ़ सकते हो इस चीज को। ओके, चलिए आगे चलें। तो 1570 में अकबर जब फतेहपुर सीकरी में था, तो ध्यान रखिएगा अकबर जो था ना, वो अनेक अनेक धर्मों में, जैसे कि आप ये नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे, तो अकबर की रुचि विभिन्न व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाज में थी। इसलिए उसने अपने धर्म, अपने दरबार में ब्राह्मणों को, जेसुइट्स को, रोमन कैथोलिक को, जरदोस्त धर्म को, ये सारे के सारे धर्म जैसे कि आप ये नीचे देख रहे हो, इन धर्मों के जो गुरु थे उन गुरुओं को बुलाकर एक सम्मेलन करा था। और ये कहाँ पर हुआ था पूरा का पूरा सम्मेलन, तो ध्यान रखिएगा ये फतेहपुर सीकरी में हुआ था, जो कि वहां पर एक इबादत खाना में चर्चा हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कहां थी ये जगह, फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना नाम की जगह थी, और पूरा का पूरा वहां पर ये पूरी की पूरी मीटिंग हुई थी अलग अलग धर्म गुरुओं के साथ मिलकर। और आप सभी को जैसा कि मैंने बता ही दिया, अलग अलग व्यक्तियों के धर्मों और रीति रिवाज में क्या था, उसका विचार विमर्श करने में अच्छा लगता था, उसको बातचीत करना, दूसरों के रिवाजों को समझना अच्छा लगता था। इस चीज को समझने पर उसको ये समझ में आया कि, ध्यान रखिएगा, विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीतियां होती है ना, उससे लोग अक्सर क्या होते हैं, कट्टर हो जाते हैं। जैसे कि किसी धर्म के प्रति आप कट्टर हो जाना, उसी को मानना, दूसरों की बुराई करना, इसके लिए क्या हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं। इस चीज को नेगेटिविटी की तरफ ले जाया गया। इस चीज को दूर करने के लिए अकबर ने यह अनुभव किया कि एक नई चीज की उन्होंने शुरुआत करी, जिसे सुलह कुल के नाम से जाना गया, यानी कि सर्वत्र शांति की विचार की ओर ले जाया गए। मतलब आसपास के पंतों में हमें क्या लानी है, शांति लानी है। ओके, जिसको क्या नाम दिया गया, सुलह कुल का नाम दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुलह कुल की स्थापना किसने करी थी, तो वो अकबर ने करी थी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। और आगे चलकर अब जो कि उनका साथी था, दरबारी था अबुल फजल, ने सुलह कुल की इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाए रखने में अकबर की मदद की। और शासन के जितने भी उत्तराधिकारी थे, यानी कि जो जो अकबर के उत्तराधिकारी थे, जैसे कि जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने भी इस चीज को अपनाया और इस चीज को आगे बढ़ाया। किस चीज को, सुलह कुल को। ओके, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था, ये पूरा का पूरा चैप्टर था, काफी लंबा चैप्टर था, लेकिन समझाना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। बाकी मुगल वंश कब से कब तक था, वो तो मैंने आपको अच्छी तरीके से विस्तार रूप में बता ही दिया। ओके, चलिए, तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, पूरी की पूरी पीपीटी तैयार करने में। ओके, तो अब आपके ऊपर डिपेंड है हमारी मेहनत सफल होती है कि नहीं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा और ऑल फीचर को प्रेस कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल का आईडी है, आप टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर सर्च मारोगे DK Gupta 1122, आपको पहला ही हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा, यही हमारा लोगो है चैनल का। ओके, वो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको यहाँ से भी मिल जाएगी, लेक्चर शुरू होने से पहले 2 मिनट पहले, जैसे कि इस लेक्चर की आपको मिल गई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।